भाजपा का जमानत जब्त होगा बैरिया विधानसभा क्षेत्र में, बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का जमानत जब्त होगा। और मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया है, आप तो कल देखेंगे ही, मैं बहुत कुछ अभी नहीं कह सकता क्योंकि हर चीज़ ईवीएम में बंद है, मैं क्या कर सकता, लेकिन इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका जो जीत न्यूज़ चैनल भी प्रमाणित कर दिया है कि वहाँ पर वीआईपी और सपा में संघर्ष चल रहा है, सब लोगों ने दिया है, हम तो वहाँ गए नहीं हैं, वो तो आप लोग चला रहे हो, मैं तो घर पर बैठा हूँ। लेकिन यदि समाज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी अब दिखाने लगी कि बैरिया में सुरेंद्र सिंह और सपा के बीच ही संघर्ष है, कांटे का संघर्ष है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है भाजपा वहाँ तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। तो मुझे इसी में खुशी है कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो पगड़ी बांध करके गए थे, पगड़ी वाले के कहने पर उनका जमानत चल रहा है। तो क्या जिस तरीके से योगी और राजनाथ सिंह का भी वहाँ पे कार्यक्रम लगा द्वाबा में, और जो है उन्होंने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जिस तरीके से जनसभाएं की और बड़े बड़े नेता वहाँ पर आए, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद भी उसको कोई फायदा नहीं, और आपने जो है कहीं ना कहीं पढ़े लिखे आदमी राजनाथ सिंह चंदौली के हैं और सीमा संभालने वाले हैं, तो राजनाथ की तुलना में द्वाबा में सुरेंद्र नाथ का नाम बोलबाला है, राजनाथ से बड़ा वहाँ सुरेंद्र नाथ है, और योगी जी से बड़ा बैरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए कर्मयोगी सुरेंद्र है, ये ध्यान रखिए। वहाँ योगी जी निश्चित रूप से हमारे अच्छे प्रशासक हैं, अच्छे हमारे सन्यासी हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर सकता इसलिए कि निश्चित रूप से वो हम लोगों से अच्छे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र में योगी आप हैं तो कर्मयोगी सुरेंद्र भी है, साधु आप हैं तो हम लोग गृहस्थ साधु हम लोग भी हैं, और राजनाथ सिंह आए थे तो वहाँ उसी धरती पर गए थे जिस भूमि को 100-200 वर्ष से जो पशु मेला लगता है उसी भूमि को कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अमित शाह जी के दिमाग में भ्रम फैल गया है कि मैं बहुत बड़ा चाणक्य हूँ और जहाँ चाहूँगा को भी टिकट दे दूंगा तो चुनाव जीता लूंगा, लेकिन ये बलिया है, बलिया जिस धरती ने जेपी को पैदा किया, जहाँ आप जैसे लोगों को बहुत लोगों नेता को पैदा कर दिया, और बलिया की धरती पर आपकी चाणक्यगिरी चलने वाली नहीं है, बलिया की धरती पर चरित्र और ईमान का राज चलता है, अमित शाह जी का राज चलने वाला नहीं है, यहाँ का एक छोटा भी सिपाही उनसे ज़्यादा ऊर्जा रखता है, और मैं प्रमाणित कर रहा हूँ बैरिया में कि पारस पत्थर नहीं हूँ अमित शाह जी, कि जिसको छूदोगे सोना बन जाएगा, सोना ही सोना रहेगा, तुम्हारे बनाने से कोई सोना बनने वाला नहीं है, ये संदेश चला जाएगा, और लोकसभा में भी दूंगा संदेश, यही नहीं लोकसभा में वीरेंद्र सिंह मस्त जहाँ से चुनाव लड़ेंगे मैं वहाँ से भदोही में लड़ेंगे तो भदोही में जाकर लड़ूंगा, और बलिया में लड़ेंगे तो बलिया में लड़ूंगा, मैं मेरा घोषणा है, और अमित शाह जी की हिम्मत होगी तो आकर के जीता लेंगे बलिया में, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि हिम्मत होगी तो अमित शाह जी आकर के और सुनील बंसल आकर जीता लेगा, सुनील बंसल जी को भी मैं चुनौती दूंगा और अमित शाह जी को भी चुनौती दूंगा, ये अगला मेरा स्टेप अब तो होगी तो हो गया, कल मैं विधायक बन भी जाऊंगा, हो सकता है कल मैं विधायक बन भी जाऊंगा, उसमें हमको नहीं लग रहा है कि मैं कल चुनाव में मुझे जीतना है संदेह, ठीक है ना, आम जनता हमारे साथ है तो मैं चुनाव जीतूंगा, और मेरी राजनीतिक चुनौती को सामना करते हुए राजनीति का एक दूसरा मार्ग मैं प्रारंभ करूँगा जिसका अंत परमात्मा जानता है कहाँ होगा। Thank you.